अभी तो बाहर आकर अभी साधारण है, अंत में जाके असाधारण होगा बोलता है। असाधारण माना बाबा का ये चेहरा, ये मोहरा, ये चाल, ये बात, ये ढाल सब चेंज हो जाएगी, असाधारण दिखाई पड़ेंगे। पीछे जाके अभी तो अपना बात अपने पता चलेगा कि अंत में जाके पढ़ाई के हिसाब से अपना मैं पिछले जन्म के अगले जन्म सब पता चल जाएगा बाबा अपना बात। पीछे पुरुषार्थी होंगे उनको पता चलता जाएगा साक्षात्कार के अनुसार या पढ़ाई का अनुसार पढ़ाई से पता चल जाएगा या साक्षात्कार से। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, पढ़ाई तो बुद्धियों की बात है। बाबा के बच्चे बुद्धिमान बच्चे हैं या साक्षात्कार करने वाले बच्चे हैं? बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धिमान बाप है। तो मतलब पढ़ाई से पता चल जाएगा, पढ़ाई बुद्धि से पढ़ी जाती है या साक्षात्कार से पढ़ी जाती है? बुद्धि से पढ़ाई पढ़ी जाती है। सबा के लिए थोड़ी चलेगा, जो देवान में जीते रहेंगे उनके लिए पढ़ाई चलती रहेगी। जब तक जीना है तब तक पीना है, तो देवान में जिंदा रहेंगे उनकी पढ़ाई चलेगी। जिनका देवान खलास हो गया, आत्मा बन गए, तो पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे? है तो सेवा करेंगे। जो देवान है वो तो भक्ति तक पढ़ेगा ना? हाँ, जो पीछे रह जाएंगे तो पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। अच्छा बाबा, त्रिलोकी नाम से बाबा है क्या? तीन लोगों का नाथ बनता है? नहीं, त्रिलोकी नाथ तो तुम बनते हो। बाबा गुरुजी ने कहा है योगियों का कभी हर्ष से नहीं होता। शास्त्र ने बताया है कि पहले ने कृष्ण को पांव में तीर मारा तो कृष्ण घायल हो गया है। गुरुजी ने कहा है हाँ, योगियों का कभी हर्ष से नहीं होता। हाँ जी, शास्त्र ने बताया है कि किसी पहले ने कृष्ण को पांव में तीर मारा हाँ तो कृष्ण घायल हो गया। हाँ, तो भक्ति मार्ग की बात बताए, ज्ञान मार्ग की बात थोड़ा ही है ये। पांव तो बुद्ध रूपी पांव होता है, कोई को तीर मारा जाता है बात का, तो बात का तीर बुद्धि में घाव करता है या स्थूल पांव में घाव करता है? तो बुद्ध रूपी पांव में कोई बहेली ने तीर मारा और 68-69 में उन्होंने सही छोड़ दिया, बात कहाँ की है? संगम की बात है। दूसरा है, इसका साथ ही भगवान, इसका साथ ही भगवान उसके क्या रोके आंधी और तूफान? उसको क्या रोके आंधी और तूफान? हाँ, हवा जिसकी थानों बनकर हिफाजत करे वहाँ सभा क्या भी है खुदा जिसको रोकने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे भगवान जिसका साथी होगा उसको कोई हरा सकेगा? उसको कौन हराएगा? उसकी तो जीत ही जीत है। वो बोल रही है कि शालिग्राम होते हैं ना, जो छोटे शालिग्राम होते हैं उनको छूना नहीं होता, अगर कोई छू देगा तो उसका शरीर वज्र का बन जाएगा। शालिग्राम छूना नहीं होता है, छूए नहीं है तो फिर वो उठा के सिंहासन पर कैसे रखा जाता है? क्या माताओं के लिए, मतलब स्त्री जो माता कन्या है वो शालिग्राम नहीं छू सकती है? पूजा पाठ जब करते हैं ना तब उनको माता कन्या नहीं छू सकती है,
पुरुष भले छू लेते हैं पूजा पाठ में, लेकिन माता पहले नहीं छू सकते। रुद्रमाला के जो मणके बनते हैं पक्के पक्के क्या परिपूर्ण जो मणके बन जाते हैं रुद्रमाला के, वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं उनमें देहभान रहता है कि नहीं रहता है? देहभान नहीं रहता है। तो जिनमें देहभान नहीं है और उनको कोई इच्छा से फिर सच करे तो पाप लगेगा ना। तो भाई इस समय अभी चारों तरफ एक ही चल रहा है एडवांस वाले भाई बहनों का मन में कि हम जब भक्ति मार्ग में थे तो गुरुओं से मिलते थे, और बेसिक में जब थे तो दादी दीदियों से मिलते थे, ब्रह्मा बाबा मतलब ऐसे अगस्त दादियों से नहीं मिल रहे नहीं। और अब भी जो साकार में बाबा आया एडवांस में तो हर भाई बहन की इच्छा होती है बाबा से पर्सनल मिले, पर्सनल बातचीत करें, लेकिन अभी कोई भी ऐसा पूरा नहीं हो पा रहा। रहने की बात कहाँ चली गई? तो साकार में आए हैं तो हाँ साकार में आए हैं, तो साकार में नए नए बच्चों के लिए आए हैं न कि पुराने पुरानों के लिए आए हैं? साकार में नए नए बच्चों के लिए आए हैं, जो नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं ढेर के ढेर तादाद में, उन बच्चों को पालना देने के लिए है, या पुराने बच्चे जो है उनके लिए उन्हीं को पालना देते हैं? नए मानस जो तुरंत भट्टी करके आते हैं उनसे मिलने के लिए बाबा है, उनके लिए बाबा है कि ताकि वो उसको देखे, हाँ जी, बुद्धि में धारण करे, याद की हुई चीज जो आंखों से देखी जाती है वो याद आती है। जो पहली बार भट्टी करके आते हैं बाबा विशेष उन्हीं के लिए आते हैं, पुराने तो पुरानों के लिए फिर सबकी इच्छा होती है ना मिलने को, ज्ञान मिला हुआ है ना। हाँ जी, ज्ञान के आधार पर मुरली में तो बोला है मुरली में से हर समस्या का समाधान बच्चों को मिल सकता है, लेकिन मुरली को ध्यान से सुनते ही नहीं तो हर समस्या का समाधान कैसे मिले? और बच्चे की इच्छा होती है बाबा ने जी कैसेट में कहा कि भी कोई बात होती है बाबा से पूछो, राय लो, श्रीमत लो, हर कर्म बाबा से करो। अव्यक्त स्टेज का तो अनुभव ही नहीं करना चाहते, प्रयास ही नहीं करते। बाबा जब आते हैं तो बहुत ऐसी अवस्था में आते हैं दो घंटा चार घंटा के लिए, तो हर बच्चे की इच्छा होती है बाबा से कुछ पूछे। अब बच्चे तो 500 करोड़ होने हैं दुनिया में, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है, तो 500 करोड़ बच्चों से बाबा कैसे मिलेंगे? अव्यक्त होके मिल सकते हैं या व्यक्त भाव में मिल सकते हैं? हैं? तो अव्यक्त होकर के ही मिल सके, जो करेगा उसको पाएगा। चक्रम बताने के ऊपर में चित्रम धाम का जो दिखाया गया है जो ऊपर में दो तीन बिंदु थी उसके नीचे तीन आत्माओं का विमुख उसके ऊपर दो बिंदु दिखाते हैं उसके नीचे चार चार के और उसके बाद मुझे एक बिंदु जो दिखाते बड़े आकार में दिखाते हैं धर्म पिता दिखाए चार चार के बाद बड़े राम कृष्ण जो है वो स्वधर्मी हैं और उनके अलावा और जो छह धर्म पिताएं हैं वो भी धर्मी हैं, उन विधर्मी धर्म पिताओं की आपस में नाम बोल लो तो ग्रेट फादर्स दिखाए गए हैं। ग्रेट कैसे दिखाए जाए तो बड़ी बिंदी दिखा दी है। बाबा कृष्ण की सोच तो आंखों नारायण कैसे बनता है? कृष्ण की सोल आठवां नारायण नहीं बनता है, कृष्ण की सोल संगम युग में आठवें नंबर पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। सात नारायण विधर्मी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है तब आठवां नंबर कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जो सात नारायण है वो आसुरी धर्म के हैं, पहले असुर प्रत्यक्ष होते हैं जन्म लेते हैं या पहले देवता जन्म लेते हैं? देवताएं बड़े थे या असुर बड़े थे? असुर बड़े थे तो वो पहले जन्म लेते हैं, वो है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। आत्मा
आदि तो आत्मा का देवता नहीं है, बोलिए आदि की जो आत्मा है ना वो तो देवता ही हुई ना। आदि की आत्मा? हाँ जी, आदि में जो यज्ञ में संगम युग में जो आदि में आत्मा, आदि में यज्ञ में थे वो यज्ञ में अभी भी बैठे हुए हैं वो देवताएं हैं या असुर? अभी देवता है कि असुर? बाबा हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है रामायण में कि जब अयोध्या का जो अयोध्यावासी थे तो जब राम मंदिर समाधि लेने के लिए जा रहे थे तो आधा अयोध्यावासी से उनके साथ जाने लगे कि हे राम जहाँ आप रहिएगा वहाँ हम मैं भी आपके साथ रहेंगे और आधा अयोध्यावासी जो नहीं मान रहे थे तो अंतिम में फिर दिखाया कि से राम जल समाधि लेने गए तो इधर जो जो नहीं मान रहे थे वो भी जा कर के हे राम हमें माफ़ कर दीजिए हमें इतना अफवाह मुँह से अथी हुआ हमको भी माफ़ कर दीजिए ले लीजिए हम भी आपके शरण में जाएंगे। इसका माने बाबा अपने बेहद में अरे परमधाम वासी बन जाओ माना तब तो नहीं बन पाएंगे। तो हम बाबा आपको ऐसे इसलिए पूछे बाबा कि हम आपको जैसे राम के रूप में हम तो अपने मन में रखे हैं कि बाबा हमारे राम हैं बाबा हमारे कृष्ण भगवान हैं बाबा हमारे शंकर भगवान हैं बाबा हमारे लक्ष्मी नारायण हैं क्या बाबा ये तो हमको हम तो यही रूप में अब से हम हमेशा मतलब राम है कृष्ण है सब है लेकिन शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा तो है सब आपकी प्रार्थना है। शिव बाबा कोई तो याद करना है सब आपकी बिना शिव बाबा के तो राम कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ लेकिन सदा शिव तो आप है ये तो जानवे करते हैं सदा शिव है वो राम नहीं है। राम तो नीचे ऊपर होता रहता है सदा शिव पूर्व जन्म में राम फेल हो गया तो सदा शिव हुआ नहीं। राम और कृष्ण ये तो बीच में या बीच में याद आते हैं अड़ंगे बाबा छह आत्मा जो बड़े चित्र में दिखाया गया था लेकिन चार चार के जो आत्मा और ऊपर में है लेकिन सूर्या है इससे तो उसके आकार छोटे दिखाए गए नंबर वाली तो है उनकी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है संसार में तो बड़ी महिमा को बड़ा करके दिखाया जाता है। चार चार के वो छह से तो ऊपर दिखाया गया है चित्रों में तो क्या हुआ तो आकार में छोटा है संगम हुए तो अपने को सूक्ष्म बनाते हैं कि बड़ा बनाते हैं। कई भाई बहन नए भर्ती करके आए भाई बहन ना तो उनका तो बाबा को अभी कैसे पता चलेगा तो पहले तो बाबा पर्सनल से मिलते थे अब कई साल पहले भी दो तीन साल पहले अभी तो बाबा ऐसे ग्रुप में मिलते हैं तो भाई बहनों की तभी इच्छा हो रही है ना कि हम भट्टी बंद करके आए हैं तो बाबा से हमारी थोड़ा बहुत तो कैसे भी करके तो मुलाकात बात भी है कि सिर्फ है ये मिलना ही मिलना है बात भी होती है मिलना क्या बात है बोलो किसकी बात है क्या है पर्सनल माने जो अकेले में बोल दिया है वो पर्सनल पहले फर्स्ट भट्टी कर रहा कोई कहा था ना बाबा ने फर्स्ट मुलाकात कर लो बाबा साकार में मतलब साकार में पहली बार बाबा से मिल रहे हैं ना वो थोड़ा भट्टी पड़ी भाई भट्टी किए और हाथ पहले और बोलो हाँ क्या है पर्सनल बात पर्सनल बात कुछ नहीं अपने में कौन कौन धर्म के आठ नारायण होते हैं में दूसरे धर्म भी होते हैं क्या है कतिक में एक ही धर्म होगा या दूसरे धर्म वाले भी होगा फिर वहाँ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गंगा मुल्क है गंदा मना वैश्यावृत्ति कलयुग में सबसे जाति कलकत्ते में पनपी है और कलकत्ता सबसे शुद्ध भी है क्यों कि कलकत्ते में ही भगवान आते हैं माँ को अलग कर देते हैं तो को कहाँ से पकड़ा कलकत्ते से पकड़ा हाँ
अष्टदेव और नौ रत्न कौन से? वो देव है, वो रत्न है, रत्नों में एक रत्न होता है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल, उसे कहते हैं हीरा। हीरे के मुकाबले जो दूसरे रत्न होते हैं वो कम वैल्यू वाले होते हैं, माणिक कहाँ है माणिक और कहाँ हीरा, कहाँ मूंगा, कहाँ पन्ना, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं। जैसे जैसे दुनिया में धर्म है पनपे हैं, धर्मों की जो क्वालिटी है वो एक दूसरे से कम होती गई, सबसे ऊंचे से ऊंचे धर्म हुआ जा करके सूर्यवंश, उसकी क्वालिटी का कोई धर्म नहीं, कहते सनातन धर्म। फिर कहां सनातन धर्म और कहां बाद वाले धर्म, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही जो रत्न है वो एक दूसरे से कम क्वालिटी वाले हैं, और जो देव हैं वो तो सब हीरे हैं। क्या? हाँ, वो अष्टदेव सारे ही हीरे हैं, वो रत्न नहीं है। रत्न होना माना दूसरे धर्म से कनेक्टेड हो जाना। अच्छा बाबा, इस्लामी तो महाकामी होते हैं, बौद्धी तो उसे फिर भी ठीक है, फिर भी इससे ज्यादा वैल्यू उसकी जगह जाती है, दिखाई नहीं पड़ते हैं क्या? हिंदुस्तान में बौद्धी तो बहुत घूमते रहते हैं, हट्टे कट्टे मोटे ताजे चिकने चुपड़े, इस आधार पर दिखाई देते हैं। उनके मुख पर पवित्रता झलकती है या नहीं झलकती है? झलकती है। प्योरिटी के आधार पर बड़े होते हैं, अगर प्योरिटी के आधार पर बड़े हों तो नारायण बड़ा होना चाहिए या लक्ष्मी बड़ी होनी चाहिए? प्योरिटी के आधार पर लक्ष्मी बड़ी होनी चाहिए, नारायण में भगवान आता है, भगवान पतित में आता है या पावन को पकड़ता है? पतित को पकड़ता है, पतित तो सारी दुनिया है, लेकिन पतित होने के साथ साथ सच्चाई भी होनी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सच्चाई, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो भगवान सच्चाई को पकड़ता है, पवित्रता को नहीं पकड़ता, पवित्रता को वैल्यू देता है, लेकिन पकड़ता किसको है? सच्चाई को पकड़ता है। अगर सच्चाई लक्ष्मी में होती तो सत्य लक्ष्मी की कथा होनी चाहिए या सत्य नारायण की कथा होनी चाहिए? है? सच्चाई नारायण में थी, सच्चाई लक्ष्मी में भी उतनी नहीं होती है जितनी नारायण में होती है। बाबा, जो हमारे सिद्धांतों में जो श्री कृष्ण और राधा जो पहला राजकुमार राजकुमारी कहा जाता है, और दूसरी वाली सिद्धांत में आदम और हवा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन लोगों का पहला राजकुमार कहा जाता है। तो है? वो राजकुमार होते हैं, किस राजा के कुमार होते हैं? पहले आदमी उसी को कहा जाता है। तो राजकुमार तो नहीं है ना? नहीं, राधा कृष्ण तो राजकुमार राजकुमारी है, उनको पालने वाले कोई राजा हैं। जो एडम ईव हैं उनको पालने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं भू है। इन लोग पहले आते या वो लोग पहले आते? अरे, पहले माँ बाप पहले आएंगे या पहले बच्चे आएंगे? राधा कृष्ण को माँ बाप के रूप में दिखाते हैं या बच्चों के रूप में दिखाते हैं? कृष्ण की ज्यादातर पूजा बच्चे के रूप में होती है या नौजवान और बूढ़े के रूप में होती है? बच्चे के रूप में होती है। बाबा, 1936 में जो विनाश होगा,
2036 हाँ? तो उसमें जो बर्फ में आत्माएं दबाएंगे शरीर, तो वो स्पिरिचुअला और पुलिसला दोनों दबाएंगे बिल्कुल, तो उसमें वहाँ से जो आत्मा उतरेगी तो उसवाला परिवर्तन हो जाएंगे नहीं, तो फिर स्पिरिचुअला होगा वो पहले ही स्पिरिचुअला हो जाना होगा तो हो जाएगा, पुरुष चोला बनना होगा तो पहले ही हार्मोन्स के आधार पुरुष चोला बन जाएगा स्वभाव संस्कार के आधार पर पहले बन जाएगा, यहाँ दुनिया में अभी भी देखा जाता है जिनके हार्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं जिनके स्वभाव संस्कार पुरुष जैसे हो जाते हैं वो पुरुष चोले हो जाते हैं, वहाँ बर्फ में ही पुरुष चोला परिवर्तन हो जाएंगे, पहले ही परिवर्तन हो जाए अभी भी परिवर्तन हो रहे हैं क्या, अभी तो स्वभाव संस्कार परिवर्तन अभी भी स्वभाव संस्कार के आधार पर शरीर का परिवर्तन हो जाता है क्या बका थोड़ा ही परिवर्तन होगा अभी कैसे हो जाएगा, तो अभी कैन के आते हो क्या जल्दी है क्या है, उसको मुसीबत पड़ी हुई है क्या जो छुटकारा पाना चाहते बाबा स्वर्ग लेंगे माता खोलते हैं स्वर्ग लेंगे तो माता खोलेंगे तो वो तो स्वर्ग स्वर्ग है दिल्ली हाँ जी हाँ जी, तो उसमें सभी देवताएं होंगे देवताएं होंगे जो आत्मिक स्थिति में उतर जाएंगे तो देवता तो आत्मिक स्थिति में पहले स्त्रियाँ आत्मिक स्थिति में टिकेंगी या पहले पुरुष टिकेंगे, पुरुष माने रुद्रमाला के मणके पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगे या स्त्रियां पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, पहले दुर्योधन दुशासन आत्मिक स्थिति में टिकेंगे या जो कन्या माता है वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगी, कन्या पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगी, जो पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगे वो ईश्वर के गेट खोलेंगे, परम धाम को सृष्टि को उतार देंगे तो जो बोला गया तो वो तो माउंट आबू में बनेगा, तो क्या हुआ तो उधर जो उधर की कैसी आत्मा वहाँ का दिखाया गया है जो कौन किस प्रकार की आत्मा वहाँ पर अपवित्र आत्मा रहेंगे, अपवित्र आत्मा आत्म की स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करेंगे, सर एक क्वेश्चन सर मैं आत्मा हूँ मुझे कैसा पता लगेगा मैं आत्मा हूँ, अब मैं कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, बताया नहीं गया अभी तुम्हें, नहीं बता गया इसका मतलब तो निश्चय बुद्धि नहीं हुई अभी, नहीं बताया गया है, बताया गया तो पूछ क्यों रहे फिर अभी अभी तो पता निश्चय हो जाना चाहिए, नहीं फिर भी मुझे पता नहीं वो रास्ता कौन सी है जिससे मेरे को रास्ता चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास है तो कौन से है वैराग्य से ग्रही थे, अभ्यास पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं चार हूँ, मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मैं आत्मा तो फिर भी रहूंगी, मेरा आज से तो खलास नहीं हो सकता, कंचन काया अभी हो जाए आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, आत्मिक स्थिति देवान आने ही ना पाए वही तो समस्या है वही समस्या तो भाई बता रहा है बाबा, अब समस्या तो वही है हम रास्ते हम एक्शन में हमारा फाउंडेशन नहीं बना, प्रैक्टिस पक्का डाल प्रैक्टिस हम करते हैं हम दो बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम आपका तक नहीं कर पा रहे हैं, एकदम कैसे पहुंच जाओगे 63 जन्मों के हिसाब किताब एकदम छुमंतर काली हो जाएंगे, उठना नहीं पड़ेंगे 63 जन्मों की जो रील घूम रही है अभी पुरुषार्थी जीवन में फिर हम उसे घूम के चले जाते हैं कि हमको चाहिए, हाँ तो ऐसा करने से रोज बाबा वाणी में सुनाते हैं ध्यान से सुनते ही नहीं, मुरली तो रोज पढ़ने के लिए बोला है या कभी कभी पढ़ने के लिए बोला है, रोज पढ़ने रोज सुनने के लिए बोला है, पवित्र वातावरण में पुरुषार्थ सबसे ज्यादा होता है, पवित्र वातावरण में पुरुष
उसका मतलब सन्यासी जो है वो अच्छे पुरुषार्थी हो गए, वो जंगल के वातावरण में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो बढ़िया पुरुषार्थी हो गए। कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बनना वो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या कीचड़ में रहे और कीचड़ में रह करके भी ऐसा पवित्र फूल बन जाए कि वो फूल कीचड़ में से निकाल करके पानी में से निकाल करके और एक महीने तक स्वच्छ वातावरण में रख दो वो मुरझाता नहीं है, तो किंग फ्लावर बनना है या दूसरा फ्लावर बनना है? अच्छे में रह करके तो सब अच्छे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुरे में रह करके अपने को भी अच्छा बनाना और दूसरों को भी अच्छा बनाना, ये पावरफुल आत्मा की बात है या कमजोर आत्मा की बात है? पावरफुल बनना है या कमजोर बनना है? पावरफुल बनना, खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। ऐसे नहीं अच्छा अच्छा हप हप करुआ करुआ छो छो भाग रहे बाबा। मुरली के पंच है कि जगना के कंठे पर कृष्ण की नगरी होगा और छोटी छोटी नगरी होगा। हाँ तो और मुरली के पंच है कि लास्ट गाड़ी होगा बाबा के बुलावा, लास्ट होगा लास्ट सुख खास है। तो जो ज्ञान में नहीं चलता वो केवल सुन रहा है, ज्ञान में नहीं चलता तो सुन क्या रहा है? तो जैसे घर में मुरली चल रहा है तो जब कैसेटे चलता है तो उनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो जब बस जैसे आदमी राह चलते गीत सुन लेता है फिल्मी गीत चारों तरफ बजते रहते हैं ऐसे सुन लेते हैं, लक्ष्यबद्ध होकर के जो काम किया जाता है उसका फल निकलता है जल्दी। जिसका लक्ष्य ही नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उसको सुनाते रहो क्या फायदा? वो तो बाबा कोई असर नहीं पड़ता, वो तो बाबा सब तो माँ भी ना से चल था वो तो खत्म हो जाएगा ना जी, उसको भक्ति कराना ही है जो नहीं जाने के लिए नाक पकड़ करके भक्ति कराने से कोई फायदा नहीं, नहीं समझा करके उसके अपने अंदर की दिल की आस होनी चाहिए। हाँ अपने अंदर की तमन्ना जगे फिर भक्ति करने से फायदा है। अभी सभी को एक ही चीज है कि विनाश होगा तो खाली भट्टी वाले बचेंगे वो बचेंगे, तो जबरदस्ती अपना बहू बेटा बच्चा परिवार को कोर्ट करा करा करके भट्टी पे ले जा करके पक्का बच्चा बन गया बाबा का, बस भट्टी करा माना वो समझते पक्का हो गया। यही बाबा पूरा बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो जबरदस्ती क्यों करना? जब बाबा ने बोल दिया बाबा ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो उतनी उतावली करने की क्या जरूरत है, सहज सहज होने दो। क्या बोले जब जिन्हें सजाएगा तो आत्मा मर जाएंगे, आत्मा कहीं मरती है क्या? सब सारी मर जाएंगे, लेकिन बाबा तो कहते हैं मैं आत्मा रूपी नैया, आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही छिवैया हूँ। क्या वो आत्मा को भी पार ले जाने वाला है और शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाने वाला है? वो ऐसी नाव खेलने वाला नाविक नहीं है जो नैया को डुबो दे और तुम्हारी आत्मा को उठा के ले जाए। विषय वैतरणी नदी कहो संसार सागर कहो विषय सागर कहो इससे पार ले जाने वाला है, दोनों को पार ले जाएगा। ऐसा वैसा धोबी नहीं है कि शरीर रूपी कपड़े को फाड़ दे तो तुम्हारा कपड़ा ज्यों का त्यों हो देगा वापस और इसी जन्म में देगा। वो धोबी तो कपड़े धोते हैं नहीं तो फाड़ के रख देते हैं, और ये तो वंडरफुल धोबी है ज्यों की त्यों झरझीनी चदरिया, वो तो कबीर ने गाया है लेकिन ऐसा किया नहीं।
आत्मा में जंग क्या है? आत्मा में जंग क्या है? जंग का सुई होती है, सुई सुई से कपड़ा सिलते हैं ना, तो सुई के ऊपर जंग चढ़ जाती है। क्या प्रयोग है? हाँ, मिट्टी की तेल में धार तेल में डाल के उसको घिसते हैं तो जंग निकल जाती है। हाँ, जंग चढ़ी हुई होगी तो मैग्नेट उसको चिपकाएगी नहीं, चुंबक निकालना, चुंबक जंग उतर जाएगी तो अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसे ही मैग्नेट है शिव बाबा। जंग कैसे छुड़ाएंगे बाबा? कौन छुड़ाएगा? कैसे बाबा आया हुआ है ना जंग छुड़ाने के लिए। जो कमजोर पुरुषार्थी होंगे वो 36 तक भी चलते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। वो पावरफुल होंगे वो पहले ही तैयार होके दूसरों को चलाएंगे। अपने के लिए पाना था तो पा लिया, अब कछु पानो ना है तो फायदे में कौन से रहेंगे? जो पहले ही पावरफुल बन जाए वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। एक ऐसी माता है जो दो बार बच्ची कर चुकी है, उनके दो तीन बच्चे हैं, 5 साल के 8 साल के 11 साल के, और उनके पति जो है मतलब इनके ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध है। बार बार जो है उसको मतलब ऐसे जान मारने के हिसाब से ही कई बार प्रयास करते हैं, ऐसे जान बर बुद्धि के कई बार कुदाल से काटने के लिए। तो माताएं चाहती हैं पूरी तरह से जो है बाबा के यहाँ ही हम समर्पित रहें, बच्चे भी सेवा में लग जाएं, जो भी सेवा करें चाहे खेत हो कहीं हरियाणी, उसके लिए बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसकी सुरक्षा के लिए? कुछ बाबा तो उपाय बताएंगे। अपने अपने कर्म बंधन काटने पड़ेंगे, छोड़ के भागेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बता रही है कि हम जीने ने मतलब जानते ही मार डालेगा तो हम क्या करेंगे? आत्मा कहीं मरती है क्या? दूसरा जन्म लेकर फिर पुरुषार्थ करेगी? आत्मा में बाबा भी टिकी नहीं है, है? अभी आत्मा में तो टिकी तो कहा उससे तुम ज्ञान में चलती तो आत्मा में टिको। ज्यादा दुख पड़ता है तब भी अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता तो फिर कब करेगा? दुख में तो और ज्यादा याद आना चाहिए। हाँ, तो दुख में तो ये कहें कि हम हमसे नहीं हो रहा पुरुषार्थ, इतना दुख हमारे लिए हो गया। आजकल बाबा यही पाठ चल रहा है भक्ति मार्ग में, फिर दुख पड़ने से खूब व्रत पूजा पाठ करते थे। एडवांस में आके तो दुख में आके ज्ञान छोड़ के भाग जाते हैं। कोई शादी करते हैं, कोई दुकान करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई डी सर्विस करते हैं दुख पड़ने पर। भाग नहीं जाते, माया उनको हरा देती है। माया हरा दे। अच्छा बाबा, ब्रह्मांड का भी विस्तार और सार होता है क्या? है ब्रह्मांड का भी विस्तार और सार होता है क्या? ये जो पृथ्वी है इसका विस्तार और सार होता है कि नहीं? तो ऐसे सारी दुनिया का होता है, दुनिया की हर चीज सार में टिकती है फिर विस्तार में भी जाती है। बिहार का बेहद अर्थ क्या होता है? हार और बिहार। हार और बिहार, हार बिहार, हार भी गले का हार, गले का हार भी। वो बिहार है, बिहार से तो गले का हार बोलता है अपने आप को। वो बिहार माना विशेष हार, विशेष हार। मुरली का पंच है बाबा, ये बिहार वाला बाहर लाएगा तो लाएगा तो लाएगा ही पीछे लाएगा बाबा है, काहे कि हम लोग जैसे मार खा खा करके जैसे फागो करते करने में लगे हैं। अभी बाहर सब धूल में मिली हुई है बाबा। बिहार के बिहार सारे बिहार के आ रहे हैं,
मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं तब कहीं पेट भर पाते हैं बाल बच्चों का, तो बाहर तो उनकी सारी खत्म हो गई, झोपड़ में जाके रहते हैं मेहनत करते हैं। अब प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं सारे बिहार वाले कितने कितने दूर से आए हैं, देखिए अभी दो चार घंटे के लिए दुनिया गुलछर्रे उड़ाती है और बिहार वाले मेहनत करते हैं। दादा एक का समय थोड़े किसी का रहता है, बिहार में मिनी मकबन बनेगा तो सब जगह बनेगा, बिहार के स्टेट में तो मिनी मकबन देख पाते हैं, पर क्यों झारखंड मकान उड़ीसा मकान है मिनी मकबन तो वहीं बनेगा, बनता है जहाँ ज्यादा धनाढ्य लोग होते हैं। चलो एक मकान ईश्वरी सेवा के लिए दे दिया, वहाँ अपने खाने के लिए रोटी नहीं है, मकान कौन बना के दे। समंदर आता है लहर आती है और उठा ले जाती है अपने ये सब, मैं आकर बोला ये सब धंधा धोड़ी वहाँ होता ही नहीं। और सब स्टेट में बिहार गरीब स्टेट माना गया है, इसलिए बिहार में भी कोई ऐसा करना या बिहार का तो आदमी रेल मिनिस्टर है, गरीब काहे के लिए है। नई नई रेलें चल रही है खूब, सतयुग सच्चे बच्चे लाएंगे, सत्य बच्चे होंगे तो लाएंगे, सतयुग झूठे थोड़े ही लाएंगे, सत्य बाप है तो सत्य बाप के बच्चे भी कैसे चाहिए, सत्य बच्चे होंगे तो सतयुग लाएंगे। बाबा मुगली का पॉइंट है कि बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर। हाँ क्या और क्या, पुरानी दुनिया को नहीं बनाना बना देना ये जादूगरी नहीं हुई। कहते हैं कहते थे नहीं कहते हैं तो सब पीला था हुआ था बाबा है तो सब में। अभी अमृत कौन पीता है, अभी अमृत हम लोग पीते हैं, बिच कौन आज दुनिया में जो बिच निकल रहा है वो कौन पी रहा है, तो दुनिया में जो ग्लानी निकल रही है वो ग्लानी का बिच कौन पीता है। बाबा को तो सब बिच ही पिलाते हैं, जब जब बच्चों के पास बिच है कि अमृत है, बच्चों के पास क्या चीज है तो बच्चे क्या पिलाएंगे, तो बच्चे बाबा को बिच ही पिलाते हैं, बाबा के पास अमृत है तो बच्चों को अमृत पिलाता है। ऐसे ही बने कि बिच अंदर नहीं जाने देता, जो बच्चों का अकल्याण हो जाए, बुद्धि सोने की बनी रहती है, अगर वो बिच है ऊपर चढ़ जाए बुद्धि की ओर तो जो ज्ञान निकलता है बुद्धि से वो कैसा हो जाएगा। बहुत काला नीला रंग दिया तो क्या हुआ, गलत रंग दिया गया तो वो तो भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें दिखाते हैं, है तो सारी ज्ञान की सूक्ष्म बातें तो भी होगा ना बहुत है, तो भाई का रूप भी होगा, किसका सूक्ष्म रूप होगा, तो जो मेरा मन का रूप सूक्ष्म भी होगा, क्या होगा सूक्ष्म भी होगा, जो 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 मेरा कंडा का जो रूप है नील रूप वो तो कंठ ही नीला है, सारा शरीर नीला नहीं है, और ऐसी ज्ञान की वाणी सुनाता है जिससे सारे संसार का कल्याण हो जाता है विनाश होने के बाद, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, ये ऐसा कंठ है
जो विशैली वाणी सुनाता है और विशैली वाणी जो बच्चे होते हैं भगवान के आत्मिक स्थिति में रहने वाले उनको वो अमृत बन जाती है, और जो और जो और जो पवित्र नहीं रहते हैं उनके लिए विशैली बन जाती है। हाँ जी, नीलकंठ कब विष्णु बनना शुरू हुआ? हाँ क्यों नहीं बना? तो ये विष्णु कहाँ से आ गया? ब्रह्मा तो विष्णु बनता है कि नहीं? अभी तक बनते रहा होगा। ब्रह्मा तो विष्णु बनता है या नहीं बनता है? अभी तक बनता ही होगा। अभी विष्णु बन गया? हाँ, तो जब तक विष्णु नहीं बनता है तब तक बीच में क्या है? शंकर है, शंकर माने मिक्स, उसमें ब्रह्मा भी मिक्स है, शंकर भी मिक्स है, शिव भी मिक्स है। मुरली में बाबा आया है कि विष्णु के दो रूप हैं, है एक संगम युगी और एक सती जी। भाई सते कृष्ण अपने जीवन के 18 वर्ष के अंदर अपने कृष्ण संभालता है क्या? सती जी कृष्ण 18 वर्ष का हुआ। कौन सती जी कृष्ण सतयुग में होगा या संगम युग में होगा? फिर संगम कहाँ से आ गया? उसे अपना राज्य पहले जन्म लेगा तब राज्य लेगा कि पहले ही जन्म ले लेगा? तो जन्म 36 के बाद लेगा या पहले लेगा? 36 में लेगा बस। अरे 18-20 साल का होगा तभी तो गद्दी लेगा कि पहले ही ले लेगा? उथल पुथल जब होगी तो विनाश की निशानी हो गई, और विनाश होता ही तब है जब स्थापना हो जाए। स्थूल स्थापना होगी तो स्थूल में विनाश भी होगा। स्थापना का मतलब है स्थूल में संगठन चाहिए, ऐसा संगठन जहाँ कोई भी भिखारी पांव भी न रख सके। जब ऐसा संगठन बनेगा ब्राह्मणों का तो विनाश भी शुरू हो जाएगा। और लॉर्ड कृष्ण के रूप में जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब माउंट आबू में तो लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण जो है वो माउंट आबू में प्रत्यक्ष नहीं होता। कहाँ प्रत्यक्ष होता है? जमुना के कंधे पर। हाँ जमुना बाबा, अभी तो संजीत ने भी 2012 में विनाश होगा बोला है, काशी रहेगा बोला है। 2012 में विनाश होगा बोला है। स्थूल पृथ्वी का विनाश नहीं है, वो सूक्ष्म में जो चैतन्य पृथ्वी है उसके दुर्गुणों का विनाश होता है। चैतन्य पृथ्वी उसकी धुरी बदल जाती है। काशी रहेगी बोला है, काशी एक ठाउ रहेगा काशी रहेगा काशी ऐसी कोई बात नहीं कि काशी ही रहेगा। नई दुनिया की स्थापना कहाँ होती है? काशी में होती है या यमुना के कंठे पर होती है? काशी यमुना का कंठा है या गंगा का कंठा है? गंगा का कंठा है। आत्मा तो सभी में होता है, जो जैसा छोटा छोटा कीड़ा और बॉल पिक्चर सब में आत्मा होता है, मनुष्य में भी आत्मा होता है ना, सबका आत्मा परम धामी जाएगा। जैसा बॉल पिक्चर वो बिरवा है आत्माएं, आत्माएं तो सब आत्माएं हैं, लेकिन कोई आत्माएं जड़मय बुद्धि वाली और कोई आत्माएं ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है। तो जितनी बुद्धि तीक्ष्ण होगी उतनी वो आत्मा पृथ्वी से परे की ओर परम धाम में रहेगी, और जो आत्मा जितनी मंद बुद्धि होगी उतनी पृथ्वी के नजदीक रहेगी। ओ
और इस सब एक दिन परम धाम तो जाएगा ना बाबा? जाएंगे परम धाम, लेकिन स्टेज तो ऊंची नीची होगी ना। कीड़े मकोड़े उनमें बुद्धि ज्यादा होती है या मनुष्य में बुद्धि ज्यादा होती है? तो मनुष्य की आत्मा दूर रहेगी कीड़े मकोड़ों की आत्मा से, कीड़े मकोड़ों की आत्मा पृथ्वी के नजदीक रहेगी। सब चीज में तो ऐसा कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन द्वापर युग कलयुग से किस वाइब्रेशन से आता है या वैसे जहाँ से विकार आते हैं वहाँ से विकार विकारों के साथ साथ दुख दर्द भी आ जाते हैं। अभी नहीं है, माउंट आबू जाना, माउंट आबू अभी एडवांस पार्टी वाले नहीं जाते हैं, तो फिर क्या बात? अधिकार गुप्त से धीरे धीरे, बच्चा पहले गुप्त होता है कि पहले प्रत्यक्ष हो जाता है? तो ऐसे ही एडवांस पार्टी पहले गुप्त है बाद में प्रत्यक्ष। जब नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी तो एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। देखिए अभी नेपाल प्रत्यक्ष है, बाबा तो यहाँ खुशी हो गया है, नेपाल वाले प्रत्यक्ष बाबा हो गए, इसी तरह से मधुबन में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, हम बच्चों के द्वारा नहीं होगा। नया संगठन चल रहा है बाबा, स्कैन है उसमें जो बन गई है इस बार तो उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं बाबा। बात बात से नहीं होगी? नहीं होगी नहीं, पहले पहले गए हैं घर बुलाना चाहो तो घर चले जाएंगे, घर तो नहीं बुलाएंगे बाबा, लेकिन उसकी माता चाहती है कि एक बार बात हो। हाँ तो बता दो उसको। हाँ जी आप माता अगर चाहती है तो उसको बता दो, ऊपर से नीचे उतर आएगी हमेशा के लिए। नीचे उतरना नहीं है बाबा, बता दो। इजाजत मांगी थी, एक को इजाजत दें या सबको दें इजाजत? तो बाबा क्या जाएंगे, फैसिलिटी रख करनी है या सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है? एक जैसा करना। अच्छा तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए? तो बाबा उसके लिए अगर कुछ कम भेजना चाहें तो जा सकते हैं? कहाँ भेजना चाहें? कुछ नहीं मिलेगा उसे, उसे कुछ नहीं मिलेगा ना। तुम्हारी चीज लेके नरक भी रही क्या? तुम कहाँ से देओगे? तुम अगर देओगे भी तो उसकी प्रॉपर्टी तुम उसको कौन योग रूप में दे दोगे? बाबा का ही प्रॉपर्टी है। अरे आजकल तो कन्याओं का हिस्सा जो होता है बराबर हिस्सा होता है, तो तुम कहाँ से दे दोगे? बाबा का जो क्या बाबा का दे दोगे? बाबा देने की बात मत करो, तुम खुद लड़की दिए हुए हो, तुम क्या देते हो? और कन्याओं की बुद्धियों को खींचना कि देखो हमारे माँ बाप ने हमको दिया, तो बुद्धि माँ बाप की तरफ जाए, तो उसके कन्या की बुद्धि का पतन होगा या उत्थान होगा? मान लो माँ बाप ने एक दो चार साड़ियाँ दे दी, ये की साड़ी नहीं पहनेगी, माँ बाप की दी हुई पहनेगी तो याद कौन आएगा? माँ बाप याद आएंगे, दुर्गति होगी सदगति होगी? ऐसा भी तो हो सकता है बाबा कि दे दे उनको जानकारी ना हो, तो बोलते काएगी के? बोलना जरूरी है बड़ी सभा में। बाबा माता कन्याओं के लिए तो एनएस बना, माता कन्याओं के लिए एनएस बना? अभी तक तो माता कन्या ही जा रही है ना, माता कन्या ही ने? भाई लोग नहीं है? भाई लोग तो बिना भाइयों के कोई काम चलता है क्या? बाहर ही बाहर है। पांडवों के बगैर शक्तियों का काम चलेगा क्या? नहीं
का भाइयों के लिए भी कुछ अलग से कोई हिसाब किताब क्या है? अरे बोला हुआ है बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, तो भाइयों के बगैर कैसे काम चलेगा? जरूर कोई भाई भी है जो जाना आना करते हैं। ये तो अपनी मुट्ठी की बात है, जब चाहो तो बढ़िया बनाओ, जब चाहो तो घटिया बनाओ। चलो।